Morning students and welcome back to our video class As you know we are studying the summary of uh, the comedy as you like it and in the last video we did uh, first act today we are going to take further So let's begin with the the scene first of act second first i'm going to read this in in English. Then we will talk about it in both languages in the village in English. The scene now shifts to the forest of Arden, where we meet Duke Senior and the loyal lords who had gone voluntarily into exile with him. Duke Senior is talking to his companions about their changed life in the forest he says that "here in the forest they are certainly exposed to the cold and icy winds of winter, and no doubt they are facing hardships in the forest, but these hardships are a blessing in disguise." "sweet are the uses of adversity," says duke sr. he compares adversity to the toad which is ugly and rough, but carries at its head a precious jewel. He further says that he and his comrades are leading a quiet life away from the crowded public places, and that here in the forest they find tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything. In other words, Duke Sr. and his associates are leading a life of contentment in the forest in spite of the hardships there. एक्ट सेकंड के पहले सीन में अपन देखते हैं सीन शिफ्ट हो गया है अब ड्यूक के महल से सीधा आर्डेन के जंगलों में फ़्रांस में स्थित जो जंगल है आर्डेन का जंगल और वहाँ पे देश निकाला दिया हुआ वास्तविक जो ड्यूक है वास्तविक जो राजा है उस क्षेत्र का ड्यूक सीनियर वो अपने वफ़ादार लॉर्ड्स के साथ रहता है पहली बार हमें ये देखने को मिलते हैं सीन में ऐसा होता है ये ड्यूक सीनियर वो है जिसको ड्यूक फेडरिक उसके जो ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है उसने उसको बैनिश कर दिया है देश निकाला दे दिया है वो रहता है अपने लॉर्ड्स के साथ और यहाँ वो बातें कर रहे होते हैं और एक ब्यूटीफुल लाइन और यूँ कहें कि बहुत ही फेमस लाइन है वो बोली जाती है ड्यूक सीनियर के द्वारा यहाँ पे स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी ऐसा वो कहता है चूँकि वो जंगलों में रह रहे हैं तो वहाँ पे महलों जैसा वातावरण नहीं है महलों जैसी सुविधाएं नहीं है यहाँ पे उन्हें सर्दी और यूँ कहें कि कठोर सर्दी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन फिर भी इस माहौल में रह के ड्यूक सीनियर है वो कहता है कि ये अच्छा है यहाँ पे रहना अच्छा है क्योंकि ये महलों की जो क्राउडेड लाइफ है और महलों की जो नकली या यूँ कहें जो द्वेष से भरी हुई ज़िंदगी है उससे दूर एकांत में अच्छी लाइफ है और वैसे भी वो कहता है कि एडवर्सिटी होती है उसके अपने फ़ायदे हैं आदमी पे जो विपत्ता आती है विपत्ता आती है उसके अपने फ़ायदे हैं इसीलिए वो ये लाइन बोलता है स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी एडवर्सिटी अपने हमारे जीवन में है तो इसके भी अपने फ़ायदे हैं और इसकी तुलना वो एक टोड से करता है एक मेंढक से करता है जो दिखने में भद्दा होता है लेकिन उसके सर पे एक प्रीसियस ज्वेल लगा हुआ होता है एक स्टोन लगा हुआ होता है ये कोई मिथिकल टोड की बात कर रहे हैं और फर्दर ड्यूक सीनियर कहता है कि ये जो पेड़ हैं ये हमारे लिए ये जो बहते हुए झरने हैं छोटी छोटी नदियाँ हैं ये जो पहाड़ हैं ये हमारे लिए शिक्षा का काम करते हैं इनसे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और यूँ कहें जैसे वो यहाँ जीवन व्यतीत करके संतुष्ट है ऐसा हमें देखने को मिलता है फर्दर Then Duke Sr. suggests that they should get ready for the hunt and should kill a few deer for their meat. At this point, Manson is made of a comrade, Jack Witch, who moralizes on every issue. Jack Witch feels uh, saddened by the fact that Duke Sr. and his companions are in the habit of killing the deer who live in the forest, their natural home. Jack is of the इज़ ऑफ द Senior दैट ड्यूक सीनियर इज एज मच his brother Duke एज हिज ब्रदर ड्यूक has ड्यूक the असर्प्ड द अथॉरिटी ऑफ ड्यूक सीनियर Senior ड्यूक सीनियर हैज dominions द these ऑफ दिस डियर हु द फॉर in this फॉरेस्ट और इसी सेकंड एक्ट के पहले सीन में हमारी मुलाकात जैकवीज से भी होती है जो कि मेलेंकलिक कैरेक्टर है और वो आ, ड्यूक सीनियर का वफ़ादार लॉर्ड है लेकिन वो उससे ड्यूक सीनियर से उसकी ज़्यादा नहीं बनती क्योंकि वो ड्यूक सीनियर का जो शिकार करना है उसको पसंद नहीं करता बिल्कुल भी जैकविज़ को यूँ लगता है जैसे जंगली जानवरों को मारना उनके क्षेत्र में अनाधिकृत हस्तक्षेप करना है क्योंकि वो इस जंगल के वास्तविक मालिक हैं और उन्हें भी जीने का अधिकार है और जैकविज तो ड्यूक सीनियर की तुलना उसके भाई से करता है कि जैसे तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारे राज्य पर अतिक्रमण कर लिया है वैसे ही तुम इन जंगली जानवरों को मार के इसके राज्य इनके राज्य पर अतिक्रमण कर रहे हो तो ये अच्छा नहीं है ठीक नहीं है कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है जैकविज बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा और वो हमेशा दुखी रहता है और हर आ, किसी बात पे वो नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगता है और हर कहीं वो उदासी ढूंढ लेता है यूँ कहें वो उदास रहता है और दुख ढूंढ लेता है हर परिस्थिति में उसको दुख मिल ही जाता है ऐसा हमें देखने को मिलता है तो ये पहला आ, सीन था एक्ट फर्स्ट एक सेकंड का अब अपन आ, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सीन ऑफ एक्ट सेकंड This scene takes us back to Duke Frederick's court. Duke Frederick is shocked to find that his daughter and niece have fled from home and no man could see them leaving the place. He thinks that some of his courtiers must have planned and supported the girl's flight. One of the courtiers tells him that the court jester Touchstone is also missing. The courtier also says that, in his opinion, the two princes had fled in the company of orlando who had won high praise from the two girls when he defeated charles the court wrestler duke frederick thereupon orders his men to look for orlando and tells that in case they cannot trace orlando they should bring oliver to him so that he may question oliver about the whereabouts of orlando second scene may हमें ड्यूक के महलों का दर्शन होता है और यहाँ पे ड्यूक फेडरिक है उसको समाचार मिल जाता है कि उसकी स्वयं की बेटी सीलिया और उसकी भांजी उसकी नीस रोजेलिन है वो दोनों महल से भाग गई हैं तो वो अपने कॉर्टियर्स से जानकारी इकट्ठा करता है पता लगवाता है कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ तो उसे सूचना मिलती है कि कॉर्ट का जो फूल है जेस्टर है मस्करा है टच स्टोन वो भी मिसिंग है और कोई कॉर्टियर उसे ये भी सूचना देता है कि वो दोनों लड़कियां शायद औरलैंडो के साथ भागी होंगी औरलैंडो जो कि इस कॉमेडी का हीरो है जिसने कॉर्ट रेसलर चार्ल्स को हराया था तो ऐसा संभव है कि वो लड़कियां उसे पसंद करने लगी थी विशेषकर रोजा और वो, वो उनकी सहायता कर रहा होगा और उनके साथ वो उसके साथ वो भागी होंगी ऐसा कहा जाता है जो फेडरिक बड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि आप उन्हें ढूंढो और वो अगर नहीं मिलते हैं तो आप ऐसा करो औरलैंडो का जो भाई है ओलिवर उसको उठा के ले आओ उससे हम पता लगा लेंगे कि वो कहाँ है सेकेंड सीन में बस इतना ही होता है नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड सीन ऑफ एक्ट सेकेंड Having won the wrestling contest, Orlando returns to his brother's house where Adam, the loyal servant, informs him that his success in the wrestling match had made his brother Oliver more revengeful and that he has now decided to put an end to his life by setting fire to the house where Orlando is sleeping inside. Adam had overheard Oliver telling his plan to someone. Orlando feels thoroughly distressed and asks Adam. What he should do should he become a beggar or one robbed of his inheritance? He possesses no other talent to earn a respectable living. Adam offers Orlando his whole life saving of 500 crowns, which he had saved when he was in the service of Sir Rowland. He also offers Orlando his service in addition to the case. He suggests. Orlando, that he should leave this place as soon as possible as it is full of risk for Orlando. Orlando is greatly impressed by the faithfulness of Adam and pays him glowing compliments on his generosity and spirit of service. Adam is so great that he does not want anything in return and so tells Orlando not to waste any time but to flee from this place. सीन सेकंड में हमारी मुलाकात होती है हमें देखने को मिलता है ऑरलैंडो और एडम के बीच वार्तालाप जिनसे इस कॉमेडी की शुरुआत भी होती है ऑरलैंडो चार्ल्स को हरा के अपने घर लौट रहा होता है तो उसकी मुलाकात एडम से हो जाती है जो कि उसके घर का नौकर है जो उसके पिता का फैथफुल नौकर था अब उनकी सेवा में है तो एडम उसे बताता है कि तुम्हारे भाई ओलिवर ने तुम्हें ख़त्म करने के लिए अब एक नया प्लान बनाया है उसका प्लान है उसकी योजना है कि जहाँ तुम सोते हो जो तुम्हारा रहने का घर है उसे वो जला के तुम्हें भी ख़त्म करने वाला है वो घर में आग लगा देगा और साथ में जला के तुम्हें भी मार देगा तो अब तुम्हें अपने घर नहीं जाना चाहिए और तुम्हें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए तो औरलैंडो बड़ा उदास होता है और उसके पास कुछ नहीं होता है तो वो ऐडम से शिकायत करने लगता है कि मैं अब कहाँ जाऊँ मुझे क्या करना चाहिए तो एडम बड़ा ही दरिया दिल इंसान होता है यद्यपि वो नौकर है लेकिन उसने अपने पूरे जीवन की जो सेविंग है उसके पास लगभग 500 हंड्रेड पाउंड क्राउन्स होते हैं वो उसे दे देता है और लैंडों को कि तुम ये ले लो ये तुम्हारे काम आएंगे और यही नहीं साथ में वो खुद अपनी सेवा को भी ऑफर करता है कि मैं आजीवन आपकी सेवा करना चाहूँगा अगर आप मुझे साथ रखें तो और साथ में वो उसे दोबारा वही सजेस्ट करता है कि आपको घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आपके जीवन के लिए यहाँ रहना खतरा है वो आपको मारना चाहेगा क्योंकि आप चार्ल्स को हरा चुके हैं वो चार्ल्स के द्वारा आपको मरवाना चाहता था लेकिन वो मार नहीं पाया तो अब वो दूसरी ट्रिक्स अपना रहा है ऐसा हमें देखने को मिलता है आगे Adam promises to serve Orlando till his last breath with sincerity and loyalty. Adam has lived in this house from the age of 17 and is now 80. He says that he hates to live in a house where the eldest brother has become so revengeful to the youngest brother. And so Orlando and Adam depart from the city. Adam's uh, devotion to Orlando is of the finest emotions in the play. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडम 500 सौ क्राउन्स के साथ 500 सौ पौंड के साथ अपनी सर्विस भी ऑफर करता है और हमें पता चलता है कि एडम उस घर में जब 17 साल का था तब से सेवा कर रहा है और अब उसकी उम्र है वो 80 साल हो गई है और वो कहता है कि मैं भी ओलिवर की सेवा में नहीं रहना चाहता जो ऑर्लैंडो का बड़ा भाई है क्योंकि वो एक दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है बेईमान प्रवृत्ति का इंसान है तो मैं भी वहाँ नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ और ये जो सीन है ये इस यू कहें कि बहुत ही भावुक सीनों में से एक सीन है आगे बढ़ते हैं सीन फोर्थ ऑफ एक्ट सेकंड Rosalind Celia and Touchstone have arrived in the forest of Arden. Rosalind is disguised as a man and has taken the name of Ganymede and Celia has now assumed the name of Aliena. Having covered a long distance all of 3 are feeling extremely tired. They lie under a tree on the outskirts of the forest of Arden. Just then, the 2 shepherds, Seafords—an old one by the name of Corin and the young one by the name of Silvius—appear on the scene, unaware of the presence of Rosalind, Celia, and Touchstone. They openly talk, of, uh, talk to each other. Silvius tells Corin that he is deeply in love with Phoebe, the shepherdess, but Phoebe does not respond to his love to, uh, to his love for her. सीन फोर्थ में हमारे सामने होते हैं रोजलिंड सीलिया और टच स्टोन जो कि महल से भाग के आर्डन के जंगलों में आ गए हैं वो काफ़ी थके हुए हैं तीनों तो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं उनको बहुत भूख लगी भी, भी होती है अब चूंकि रोजलिंड है वो एक पुरुष के रूप में है उसने अपना भेष बदल लिया है और उसने अपना नाम गैनीमिट रख लिया है एक लड़का बनी हुई है रोजा और सीलिया है वो लड़की ही है लेकिन गैनीमिड की बहन का रोल कर रही होती है और खुद का नाम रख लेती है एलियना और टच स्टोन है वो अपने वास्तविक रूप में ही होता है तभी यहाँ पेस्टोरल एलिमेंट्स की इंट्री होती है ग्रामीण पात्रों की इंट्री होती है और वो दो पात्र हैं गडरिए है, सेफर्ड्स हैं एक का नाम कॉरिन है जो कि बूढ़ा गडरिया है और एक का नाम है सिल्वियस कॉरिन और सिल्वियस कुछ ही दूरी पे इन तीनों से कुछ दूरी पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि सिल्वियस है वो कॉरिन से अपनी परेशानी शेयर कर रहा है और उसे कहता है कि फीबी जो कि एक सेफरडेस है उससे वो लाइक करता है लव करता है बट फी भी उसे पसंद नहीं करती और सही तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं करती या यूं कहें उसे वो प्रेम नहीं करती ऐसा हमें देखने को मिलता है फोर्थ सीन में आगे पढ़ते हैं रोजालिंड हु ओवर हीयर्स देर डायलॉग Feels a sympathy for Sylvia's. Sylvia's passion for his beloved Phoebe reminds her of her own love for Orlando. She speaks of her love for Orlando, but Touchstone makes fun of her. Touchstone recalls that he had once fallen in love with a girl, Jane Smile, and did some absurd things like breaking his sword at Jane's house. Kissing passionately the wooden bat, with which she used to beat her cloths, while washing them, and also kissing the cow's leather from which uh, Jenny's mild, pretty hands had drawn milk. Actually, by talking in this manner, Touchstone is making fun of the absurdities which people in love often commit. Celia asks. Touchstone to talk to Corin and find out uh, if he can give food in exchange for gold. Corin expresses his helplessness as he is uh, a servant to Silvius. He, however, informs them that his master plans to sell his cottage, sheep, and pasture. Rosalind decides that they should purchase these and also promises. टू हैव कॉरिन इन दियर सर्विस कॉरिन एक्सेप्ट प्रपोजल रोजलिंड सीलिया एंड टच स्टोन फाइंड सेल्टर फूड एंड आइडेंटिटी एज सेफर्ड सीन के आगे हमें देखने को मिलता है कि रोजलिंड है वो उन दोनों सेफर्ड्स की बातें सुन लेती हैं और रोजलिंड है वो सिल्वियस के प्रति सिम्पैथी महसूस करती है और सिल्वेस की बातें सुन के उसे अपना प्रेम भी याद आ जाता है जो कि वो ऑरलैंडो से करती है और वो अपना ऑरलैंडो के प्रति अपनी लाइकनेस है अपना लव एक्सप्रेस करती है तो टच स्टोन है वो उसका मज़ाक बनाने लगता है और टच स्टोन उसे अपनी कहानी बताने लगता है मॉकिंग अंदाज में यू कहने लगता है कि मैं भी कभी किसी को लाइक करता था जैन स्माइल उसका नाम था और वो किस प्रकार उसने अपना लव एक्सप्रेस किया था या बेसिक जो बात इस सीन के पीछे है टच स्टोन की बातों के पीछे जो मेन बात है वो ये कि ड्यूरिंग द लव वॉट काइंड ऑफ अब्सर्डिटीज़ ए मैन और अ वूमन कैन मैक मुख्य बात यह है कि ए, किस प्रकार एक व्यक्ति जो कि ऐसी भावना के अंदर होता है तो वो किस प्रकार की अब्सर्ड हरकतें करता है ऐसा हमें देखने को मिलता है फिर इसी सीन के अंत में हमें देखने को मिलता है कि रोजलिंड सीलिया और टच स्टोन के लिए रहने और खाने की व्यवस्था भी हो जाती है और ये व्यवस्था कॉरिन के द्वारा की जाती है क्योंकि कॉरिन का जो मालिक है वो अपना घर अपने अपने सीप और अपना जो पास्चर है वो बेचना चाहता है तो रोजलिंड और सीलिया और टच स्टोन वो खरीद लेते हैं और वहाँ उनके रहने की व्यवस्था हो जाती है और अब ये तीनों वहाँ पे सेफर्ड्स की जिंदगी जीते हैं ऐसी शुरुआत हो जाती है ये हमें देखने को मिलता है चलो आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ सीन ऑफ एक्ट सेकेंड इन दिस सीन वी फाइंड एमियंस जैक क्वीज एंड ए फ्यू अदर टिंग अमंगल्व्स Amiens sings a song which greatly pleases Jacquees, who asks Amiens to continue singing. A picture of the merry and careful life of Duke and his followers in this forest, <coughs> in the forest is portrayed herein. Amiens sings the famous lyric, Under the Greenwood Tree. Praising the forest life, Jacquees is interested only in melancholy. He hates pleasure. The song no doubt pleases Jaquish, but he is not going to offer his thanks as thanks are meaningless and only formal. Amiens, however, ends the song inviting all who are not ambitious to a happy and contented life in the open. Jaquish parodies Amiens' song alluding to the folly of. द ड्यूक इन डेजर्टिंग हिज टू कैडम एंड कमिंग टू द फॉरेस्ट इन दिस शॉर्ट सीन वी फाइंड कंट्रास्टिंग करेक्टर्स ऑफ एमियनज एंड जैकवीज वन आइडियलाइजिंग द पेस्टोरल लाइफ एंड द अदर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग इट एक्ट सेकेंड के सीन फिफ्थ में हमारी मुलाकात ड्यूक सीनियर के दो लॉयल लॉर्ड्स से होती है दो लॉयल कॉर्डियर्स से होती है एक का नाम एमियंस है और एक का नाम जैकवीज़ है जैकवीज से हमारी मुलाकात पहले ही हो चुकी है ये वो मेलेंकलिक करेक्टर है जो हमेशा दुखी रहता है हर चीज़ में दुख ढूंढता रहता है इस सीन में हमें और जो ख़ास चीज़ देखने को मिलती है वो है सॉन्ग song. सॉन्ग्स इस कॉमेडी की एक खास इसके ज्वेल्स में से एक है मैं आपको यूँ बताऊँ और यहाँ एमियज़ है वो एक खूबसूरत सा बहुत ही मीठा गाना गाता है अंडर द ग्रीन वुड ट्री और इसमें वो फॉरेस्ट लाइफ की प्रशंसा करता है कि यहाँ कितना संतुष्टि भरा जीवन वो जी रहे हैं लेकिन जैकवीज है वो उस गाने को गाने की जो मधुरता है उसे तो वो पसंद करता है लेकिन फिर भी वो एमियंस की बातों से सहमत नहीं होता और वो विचार प्रस्तुत करता है ऐसा कुछ हमें इस सीन में देखने को मिलता है ऑर्लैंडो एंड एडम हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम द सिटी इन द क्वेस्ट ऑफ सिक्योरिटी arrive इन द फॉरेस्ट ऑफ arden द लॉन्ग जर्नी हैज completely exhausted adam Who, as we have already noted, is an old man of 80. Adam is on the verge of fainting and he tells Orlando that he can uh, walk no further. Adam's predic uh, predicament is all the more serious because he has had no food during the journey and is now feeling extremely hungry. Orlando tries to comfort Adam and says that he would try to uh, get some food from somewhere for Adam. He urges Adam to cheer up and ask him to wait patiently for a little while so that Orlando may go and bring Adam something to eat. He promises not to let Adam die of starvation. Scene sixth में हमारी मुलाकात Orlando और Adam से होती है, जो कि Orlando है, जो अपने भाई Oliver से अपनी जान बचाके भागता है, जो उसे मारना चाहता है, और ये भी Arden के जंगलों में पहुँच जाते हैं। ड्यूक सीनियर अपने कोर्टियर्स के साथ पहले ही आर्डेन के जंगलों में है रोजेलिन सीलिया और टच स्टोन पहुँच चुके हैं इनसे ही पहले और अब ये भी दोनों आर्ड के जंगलों में आ जाते हैं लंबी जर्नी के बाद में बहुत थक जाते हैं दोनों विशेष तौर से 80 साल का जो एडम है वो बहुत थक जाता है और उससे अब आगे चलने की बिल्कुल भी उसकी हिम्मत नहीं होती है और वो भूख से तड़प के मर रहा होता है यूँ मान लो आप तो औरलैंडो उसके लिए खाने की व्यवस्था करता है और उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है कि आप हिम्मत रखो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ बंदोबस्त करता हूँ ऐसा हमें देखने को मिलता है